हेलो फ्रेंड्स, मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, इस कैमरे का नाम है सोनी का कैमरा है ये। उसके बाद इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग के लिए ये आगे की तरफ माइक सिस्टम है, यहाँ पे ये डॉट्स डॉट्स जो आप देख रहे हो ये माइक है इसका। पीछे की तरफ भी माइक है अगर कोई पीछे से रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि आगे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो पीछे से भी कर सकते हो। इसकी ये टिल्टेबल स्क्रीन है, इस स्क्रीन को टिल्ट किया जा सकता है, अपनी तरफ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। उसके बाद जूम इसका अच्छा खासा है, इसके अंदर 60x जूम है और इसके अंदर कार्ल ज़ाइस का लेंस लगा है। कार्ल ज़ाइस का लेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो नेचुरल जैसे इमेज होती है, नेचुरल इमेज नहीं, जो मूवी की इमेज होती है, मूवी में जैसे आप देखते हो जिस तरीके की इमेज होती हैं, उस तरीके की इमेज को रिकॉर्ड करता है। तो ये क्योंकि ये छोटा है, वर्सटाइल है, तो एक्शन कैमरा की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्शन कैमरा की तरह इमेज नहीं कैप्चर करता। ये जैसे मूवी होती है ना, पिक्चर होती है, उस तरह की इमेज को कैप्चर करता है, तो बहुत हाई क्वालिटी की इमेज होती है इसकी। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर फ़ोटो शूट करने का सिस्टम है, इसके अंदर वो कार्ड लगाने का सिस्टम है, कार्ड लग जाता है जिसमें ये पूरा रिकॉर्डिंग को सेव करता है। उसके बाद इसके अंदर ये जो टिल्टिंग स्क्रीन का है सिस्टम, इसके बाद इसको कनेक्ट किया जा सकता है टू द टीवी, एक इसकी तार होती है जिससे ये टीवी से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक इसके अंदर ये चार्जिंग का सिस्टम होता है, इसका बैग भी है, ये इस तरीके का बैग होता है, ये ब्लू वाला जो बैग पड़ा है ये बैग है, और ये बैग के अंदर ये आता है इसका चार्जर और सोनी का चार्जर। और ये अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में मुझे लगता है 28 से 30 हज़ार रुपये का है, बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा है। लेकिन अगर किसी को मेरे से चाहिए तो मैं इसको दे दूँगा, मेरे को मैंने यूज़ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने इसको समझ लो 10 बार यूज़ किया है, और बहुत हाई क्वालिटी का कार्ल ज़ाइस के लेंस, कार्ल ज़ाइस सबसे महंगे लेंसेज हैं, उसी का लेंस के साथ ये कैमरा है। और सोनी की स्क्रीन, नो डाउट सोनी की जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब जो बस क्या कहेंगे इसको कि ड्यूरेबिलिटी, कि सोनी जो है वो सबसे ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब एक बार सोनी खरीद लिया हमेशा की छुट्टी, वो चीज़ है इसके अंदर। इसका जो नीचे का जो ये ट्राईपॉड आप देख रहे हो, ये मेरा DJI का ऑस्मो 6 का है, तो ये इसके साथ नहीं है। अगर किसी को कैमरा चाहिए, मैं 50% प्राइस पे, मान लो 30 हज़ार का है तो मैं 15 हज़ार का दे दूंगा, तो 15 हज़ार में कोई भी लेना चाहे मेरे से ले सकता है, बिल्कुल न्यू है, और मार्केट में ऐसी चीज़ जल्दी कोई जो जो मूवी की तरह रिकॉर्ड होता है, इस तरह के कैमरे बहुत महंगे आते हैं, एक एक कैमरा 1-1 लाख से लेकर 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए तक आते हैं, जो मूवी की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ये छोटा है, बहुत हल्का है, और कैरी किया जा सकता है। इसके साथ इसके अंदर जो बैटरी होती है वो चेंज भी की जा सकती है, तो अभी मैं आपको इसका बैग एंड बैटरी दिखाता हूँ। ये इसका बैग है, और ये इसके अंदर मेरे पास एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा बैटरी भी है, मैंने अभी ख़रीदी तो है, लेकिन मतलब बिल्कुल न्यू है, ये जो उसके अंदर लगी है वो भी न्यू है, और ये तो बिल्कुल ही न्यू है। तो ये दो बैटरीज हैं, और एक बैटरी कम से कम 8 से 10 घंटे चलती चलती है, 8 से 10 घंटे बड़े आराम से। और इसको ऑन करने के लिए आप ऐसे करके ऑन कर सकते हो, सिंपल वे है ऑन करने का, जैसे ही आप खोलोगे ऑन हो जाएगा और ये वर्किंग में आ जाएगा। इसमें ये जो लेंस है, लेंस के लिए एक शटर, ये शटर है, ये शटर को आप लेंस को, क्योंकि कार्ल ज़ाइस का लेंस है और लेंस बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए ये आगे शटर सिस्टम दिया हुआ है ये। और इसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे फीचर्स हैं, ये इसमें HDMI का कनेक्शन है, ये HDMI कनेक्ट कर सकते हो, ये इसका कार्ड है, ये कनेक्ट किया जा सकता है। इस साइड से देखें तो ये इसका रिकॉर्डिंग का बटन है, ये इसका फ़ोटो शूट का बटन है, और ये इसका जूम का बटन है, 60x तक जूम हो सकता है, HD कैमरा है ये। अगर मैं इसे बंद करूं और दिखाऊं, ये इसका सोनी का HD कैमरा है, और इसका ये ऑप्टिकल स्टेडी शॉट लेता है एक्समोर, और बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर किसी को भी चाहिए
ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है, 15,000 रुपये कुछ भी नहीं होता ऐसे कैमरे के लिए, आप ले सकते हो मेरे से।